Congress's UP in charge, Mr. Raj Babbar, here with me, sir. Sir, I spoke to you earlier also after the exit poll was out, sir. You were confident, you calling it the entry poll would be on the day of the result, sir. But the Congress faced miserable defeat in UP, sir. Do you take responsibility of it? Definitely. Congress party ke adhyaksh hone ke naate, मैं मानता हूँ कि मैं जो नेतृत्व ने मुझसे जो अपेक्षा की थी, जो उम्मीद की थी, उस पर मैं खरा नहीं उतरा हूँ और मैं इस डिबेकल की, इस चुनाव की हार की पूरी ईमानदारी के साथ मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। सर, कल राहुल गांधी ने बोला कि चूक हो जाती है, ऑपोजिशन में है, कभी अप्स एंड डाउन्स होता है, यहाँ पे यूपी में डाउन हो गया है, पर एक स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की ज़रूरत है। आपको लगता है कि एक चेंज की ज़रूरत है जिससे कांग्रेस और स्ट्रेंथन हो सकती है आने वाले चुनाव में? देखिए, ये बात अगर हमारे नेतृत्व ने, हमारे राष्ट्रीय नेता ने कही है, तो इसमें कहीं ना कहीं उनकी गहन सोच है। और मुझे अफसोस इस बात का भी है कि हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में इतना टाइम दिया, इतनी ऊर्जा दी, इतनी एनर्जी दी उन्होंने, इतनी मेहनत की उन्होंने, और हम जो है वो रिजल्ट नहीं दे पाए। उन्होंने पांचों राज्यों में मेहनत की, जिसमें हम तीन राज्य जीते और दो राज्य हार गए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस तरह की राजनीति जो है हमारे बीजेपी के लोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये उनकी नीयत और नीति जो है आने वाले कल में प्रजातंत्र में ठीक नहीं है। एक धन बल, छल बल और बाहुबल से कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि जिन दो प्रदेशों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, उनमें तो अभी तक मुख्यमंत्री तय नहीं हुआ, और जहां पर उनका दोनों जगह जहां पर हार हुई है, गोवा में और अपना मणिपुर में, वहाँ पर उन्हें अगले दिन ही मुख्यमंत्री तय कर दिया। तो इसके पीछे जो इनकी नीयत है वो साफ नज़र आ रही है कि आने वाले कल में इस डेमोक्रेसी के अंदर किस तरह की बीजेपी राजनीति करना चाहती है। सर, प्रिया दत्त ने ट्वीट करते हुए बोला है कि एक पूरे नए टीम को, नए फ्रेश टीम को कांग्रेस में आने की ज़रूरत है। वो कह रही है कि जो सीनियर लीडर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोग कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उन लोगों को हटा के नए लोगों को जगह देने की ज़रूरत है, और जो सीनियर्स हैं वो अपने सुझाव दें कि किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। अच्छी बात कही है, लेकिन वो उनको चाहिए कि वो आएँ और अपने नेतृत्व के सामने अपनी जो बात कहना चाहती है विस्तार से कहें, डिटेल में कहें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में बड़ी पार्टी है, 125 साल की पार्टी है, वो ट्वीट से नहीं चल सकती। उस पार्टी के अंदर जो है ट्वीट को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है।